ऑलराइट वन। अब यहाँ देखो, दिस इज, जब भी हम स्ट्रीट सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जैसे की होती है, कार की हो सकती है, बाइक की हो सकती है, स्कूटी की हो सकती है, तो जो की है वो हमारा वेपन की तरह काम कर सकता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम उसे कैसे यूज़ करें। अब अगर आप फिलिपिनो मार्शल आर्ट या सिलाट के बारे में जानते हैं तो आपकी जो एंट्रीज़ हैं उनमें आप किसी चीज़ को भी डायरेक्टली अपना वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे मेरे पास ये की है और इसकी अच्छी बात यह है कि आप इसे हाइड भी कर सकते हैं, हाथ के अंदर आप बिल्कुल इस तरह से इसे रख लीजिए। अगर आपको दूसरे के ऊपर भरोसा है कि ये मुझे अटैक करेगा तो आप अपनी डेफिनेटली अपनी की इस तरह से हाइड करके रखिए। अगर पहले से आपके हाथ में की है तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा पहले से अवेयर होगा इस चीज़ के लिए। तो हमें अपनी जो की है उसे इस तरह से रखना है। अब जैसे ही कोई हमें पंच करे, पंच, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, ये जो मेरी की है, की से हाथ हिट कर सकता हूँ, देन आई कैन टेक द चार्ज। तो यहाँ पे मैं और एंट्री ले सकता हूँ। तो जैसे ही उसने मुझे क्या किया, फर्स्ट जैब दिया, जैब करो, तो मैं पीछे इस साइड जाने के बाद, इस साइड मुझे जाना है, और मैंने डायरेक्टली क्या किया है, की से हिट किया। तो जब भी हम किसी को की से हिट करेंगे तो ये दूसरे को लगेगा, ऑलराइट। तो मुझे क्या करना है, की को इस तरह से होल्ड करके रखना है, पुल इट आउट साइड। तो अगर आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो अब पास आकर मैं आप लोगों को बता दूं, इस तरह से आप लोग इसे की रखेंगे और जैसे ही आपको इसको ज़रूरत है तो आप इसे पुल कर सकते हैं, इस तरह से बाहर की तरफ ये पुल करके बाहर आ जाएगा और आप इसे हिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग, कोई आपकी तरफ आया, आप इस साइड को हैं तो आप यहाँ हिट कर लीजिए इन साइड, आप आउट साइड जाना चाहते हैं तो आप आउट साइड हिट कर लीजिए। हिट करने के बाद आप बॉडी पर हिट कर सकते हैं एंड देन यू कैन हिट कॉन्टीन्यूसली, आप बिल्कुल लगातार कॉन्टीन्यूस हिट करते हुए चले जा सकते हैं। अब इन केस किसी ने आपको पकड़ा है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपने, उसने मुझे इस तरह से पकड़ा है, ऑलराइट, कोई भी पोजीशन हो सकती है, मेरे हाथ में की है और मैंने क्या करना है कि पहला हिट होता है ये वन, थोड़ा सा पास आ जाओ, ओके, पहला हिट देखिए, पहला हिट है आपका वन एंड डायरेक्टली आप अपना हाथ इधर मोड़ देंगे, ओके, सो वन टू, या आप इस तरह से कर सकते हैं वन एंड टू एंड थ्री। सो अगर मैं इसे स्पीड में करके आप लोगों को बताऊं तो मैं यहाँ पे था और मैं उसे बोल रहा था कि तुम्हें यही हाथ रखना है, मैं उसे कह रहा हूँ कि मुझे फाइट नहीं करनी है, मेरे हाथ ऊपर होने चाहिए। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, सेल्फ डिफेंस का पहला रूल है कि आपके हाथ ऊपर होने चाहिए। यहाँ तक तो सिचुएशन आनी नहीं चाहिए, बट इन केस आपकी बॉडी तक हाथ पहुँच ही चुका है तो अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप लोगों को वन टू एंड थ्री, अब इसे स्पीड में देखिए, ऑलराइट, सो ये हम कर रहे हैं वन। जब मैं इस साइड स्ट्राइक कर रहा हूँ तो ध्यान दीजिए, अगर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जैसे की नहीं है, तो मैं नकल से स्ट्राइक करूँगा, अब देखो उसे कितना फील होगा, ऑलराइट वन। अब यहाँ देखो, दिस इज, ऑलराइट, दिस हैपेंस, तो किसी का हाथ यहाँ पर है, ओके, सो इट गिव्स अ लॉट ऑफ पेन, उसे ज़्यादा लगेगी, इसलिए मैंने बहुत आराम से मारा है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, आप लोग देख सकते हैं, और एक्सटेंडेड हैंड में ज़्यादा पेन होता है। तो हम कर रहे हैं वन एंड टू एंड थ्री, सो दिस हैपेंस लाइक दिस। अब मैं फिंगर के साथ में कर रहा हूँ आपका, तो आपको पता चलेगा कितना फास्ट हो सकता है ये, यहाँ पे है, बूम, वन टू एंड थ्री, यहाँ मैंने यहाँ हिट किया है इनसाइड, सो दिस इज बेस्ट टेक्निक, टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री, सो वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू एंड थ्री, समझ में आया, ओके। अब मैं इसे अगर की के साथ में करूँ तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना पेनफुल होगा, ओके, मेरी की अंदर है, मैंने इसे स्ट्राइक किया वन एंड टू एंड थ्री, अब उसका अगर दूसरा हाथ आता है, मैंने होल्ड किया है इनसाइड, आपको की से आपको इनसाइड हिट करना है, जैसे आप इनसाइड हिट करेंगे उसके बाद आ जाइए, और फिर अगर आपको लॉक पता है, अगर आपको लॉक नहीं भी पता तो ये वाला जो अंगूठा है, अगर आप इस अंगूठे को पकड़ते हैं और यहाँ होल्ड कर देते हैं नीचे को, सो यू विल गो डाउन, बस आपको ये अंगूठा पकड़ना है, जैसे इस साइड को है, हिट कीजिए इनसाइड,
जैसे ही हिट करेंगे तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा। हिट किया देखो, वन ये ओके। अगर मैं इसको नीचे पुश करता हूँ तो आपको ये पोजीशन मिलती है, एंड देन गो बैक, ओके गो बैक वहाँ। अब मेरी पोजीशन ये है, आपने यहाँ पे लाए हो ऑन फेस और यू कैन गो विथ नी। आप नी हिट कर सकते हो, किक कर सकते हो, अगर आपको नहीं करना है पुश करके आप घर जा सकते हो। तो एक बार फिर से समअप कर लेते हैं। जो कार की है उसे आपको हाइड करके रखना है अपने पास में। दूसरा, अगर आपको कोई भी चीज़ हिट करे, देखो बॉडी का कोई भी पार्ट आता है, आपको उसे कार की के इस हिस्से से हिट करना है। पंच करो, उसने मुझे पंच किया, मैंने हिट किया, दिस इज वन। उसने यहाँ पंच किया, मैं इस साइड, मैंने यहाँ हिट किया है। उसने मुझे किक हिट की, किक बूम, दिस इज किक। उसने किक की, मैंने हिट किया, ओके दिस साइड आई विल किक, आई विल हिट, हिट कर दिया। उस साइड किक करो, यहाँ गया, हिट कर लिया। अब किक के केसेस में हम और वीडियोस कुछ बनाएंगे कि किक को कैसे करें, बट आज फिलहाल मैंने आप लोगों को बताया कि ये किसी भी चीज़ में है। आपके हाथ में की है, आपने होल्ड किया हाथ, हाथ होल्ड करो ये। तो गर्ल्स के केस में आप डायरेक्टली यहाँ हिट कर लीजिए, इसे पुश कीजिए, हिट कीजिए, हिट कीजिए, हिट कीजिए, ओके। बट लर्न सम ड्रिल्स, जो फर्स्ट ड्रिल है, जैसे हमारी मार्शल आर्ट की, हम इसमें फर्स्ट ड्रिल करते हैं पंच, वन टू थ्री, यस दिस इज। ये हम जो ड्रिल करते हैं इससे डिवेलपमेंट होता है हाथ का, कि हम कहाँ जाएंगे। जैसे ये है बूम, दिस साइड, ओके हिट, फेस हिट, जहाँ हमें करना है, ये है लॉक। तो आप इसी से, अगर अब मैंने अभी मैं इसे एम्प्टी हैंड कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एम्प्टी हैंड किया है, देखिए, तो थोड़ा पास आ जाओ, पास आ जाओ, देखो यहाँ पे कितनी हिट हुई है, पंच करो, वन, तो अब मैंने किया टू एंड थ्री फोर, ओके हम कर रहे हैं वन टू थ्री फोर, ओके। और फिर मैं रेडी पोजीशन में हूँ। अब इन केस मेरे हाथ में क्या है, की है, तो मैं क्या करूँगा, कम पम दिस साइड। अब मैं जो ये हाथ आराम से रख रहा हूँ, वो एक्चुअल में यहाँ पे नीचे से मैं हिट करते हुए आऊँगा, पम दिस इज एंड दिस इज, सो वन टू थ्री फोर, कम पम दिस इज, सो ही कम्स पम दिस, दिस इज। सो ये बहुत सारी हिट्स, आपके पाँच से छः हिट आपके दो चार सेकंड में हिट हो जाती हैं, कम पम डाउन, कम ऑन फेस। सो की आपका बहुत अच्छा एक वेपन है, कम दिस वे, आई गो दिस, सी ये जो पोर्शन है काफ़ी वीक पोर्शन होता है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, कम बूम दिस इज, वन एंड टू एंड अप, कम वन टू थ्री फोर, ओके। सो विद दिस वी एंड दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, तो चलो गुड बाय।